गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में अपनी गाड़ी में जो है एक डैश कैम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और इस डैश कैम के साथ जो है बैक कैमरा भी आता है, तो मैं प्रॉपर फिटिंग आपको करके दिखाऊंगा बैक कैमरा के साथ इसकी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। तो गाइस स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है इसमें HD वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, 4 इंच की जो HD डिस्प्ले है इसकी, 170 इसका डिग्री का जो है वाइड एंगल लेंस है इसमें, रियर व्यू कैमरा के साथ आता है इसमें, लूप रिकॉर्डिंग का फंक्शन है, मतलब कि 2 मिनट की लूप आप लगा दीजिएगा 2 मिनट की रिकॉर्डिंग होती जाएगी। जी सेंसर जो कि काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपकी गाड़ी कहीं खड्डे में जाती है तो जी सेंसर जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं कैमरे की, और इसके साथ जो है वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसके साथ ही आपको मिलती है। तो बाकी जो आप फिगर्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में। तो गाइस सबसे पहले इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलता है कुछ इस टाइप से DVR कैमरा। तो गाइस ये फिंगर टच नहीं है, यहाँ पर ये बटन है, इससे आप इसको जो है कंट्रोल करोगे। तो गाइस ओके का बटन आप प्रेस करके रखिएगा तो ये ऑन ऑफ हो जाता है वहाँ से, और आप देखते हैं इसमें अभी SD कार्ड नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका लेंस बता दूँ, ये 12 मेगापिक्सल का इसका लेंस है और इसका अपर्चर है f1.8, और आप देख सकते हैं वाइड एंगल लेंस है इसके साथ। और यहाँ पर आपको जो है एक स्पीकर मिल जाता है, एक फ्लैश लाइट मिल जाती है। तो क्या इसके ऊपर की साइड यहाँ पर इसको माउंट करने के लिए जो क्लिप है वो लगेगा, और यहाँ पर इसका चार्जर लगेगा, और यहाँ पर जो है बैक कैमरा का जैक लगेगा। इसके बाद गाइस ये कुछ कंटेंट मिलता है इसके साथ आपको, ये इसका माउंट है जो कि इसका जो विंडशील्ड होती है गाड़ी की वहाँ पर ये माउंट होगा, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक चार्जर मिलता है जिसकी की लीड काफ़ी लंबी है, और इसके बाद आपको ये बैक कैमरा मिलता है जिसकी वायर काफ़ी लंबी है और यहाँ से जो है ये रिमूव हो जाता है। और गाइस ये है बैक कैमरे का जैक जो कि आपके जो है डैश कैम में लगेगा, और ये रेड वाली वायर जो है जो आपकी जो पार्किंग वाली लाइट होती है जो कि आप बैक करते हो तो गाड़ी के पीछे वाले जो बल्ब चलते हैं तो उससे ये कनेक्ट होगी रेड वाली वायर। तो गाइस अभी इसके बैक कैम को हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल बाद में करेंगे, पहले इसकी वायरिंग को कर लेंगे, क्योंकि वायरिंग करना ही जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको बम्पर वगैरह का भी खोलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे अगर वायरिंग करोगे तो बाहर से तो वायरिंग नहीं करोगे, वायरिंग ऐसे करनी है कि दिखे ना वायर बाहर। तो गाइस गाड़ी के हिसाब से आपको जो है इसका काफ़ी कुछ खोलना पड़ सकता है, हो सकता है आपको बम्पर थोड़ा सा ऐसे लूज़ करना पड़े तो आपकी जो वायरिंग का काम बन जाए, हो सकता है आपको इसकी फेयरिंग वगैरह थोड़ी बहुत खोलनी पड़े, अंदर वाला इसकी सेटलमेंट जो होती है प्लास्टिक वाली जो होते कंपोनेंट लगे हुए वो आपको खोलने पड़े, तो ये काफ़ी ईजी होता है, हमें ऐसे मुश्किल लगता है कि बम्पर को खोलना, कुछ नहीं होता, ये 10 नंबर के कुछ नट होते हैं और लॉक वगैरह होते हैं, तो ये काफ़ी ईजी काम है। तो जैसा कि आप देखते हैं मैंने इसकी वायरिंग को ऐसे बम्पर से निकाल के, और इसका जहाँ पर लाइट का वो होता है जो लाइट की यहाँ से वायरिंग जाती है वो सबसे इजी होता है, वहाँ से आके इसको निकाल लोगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसकी वायरिंग को निकाल दिया हुआ है, तो गाइस आप देखते हैं मैंने प्रॉपर इसकी वायरिंग को कर दिया है, अब इसका जो बम्पर है उसको वापस से बंद कर देते हैं। 10 नंबर के यहाँ पर आपको जो है बोल्ट मिल जाते हैं, उनको आपको टाइट करके इसको जो है बम्पर की सेटिंग अच्छे से हो जाती है, काफ़ी ईजी होता है बम्पर को खोलना है। तो गाइस अभी मैं इसकी जो है रेड वायर का कनेक्शन करूंगा, तो रेड वायर के लिए मैं इसकी लाइट को खोल लेता हूं, बैक वाली लाइट को, और ये जो रेड वाली वायर है इसको मैं इस होल से, जैसे कि ये वायरिंग आई हुई है इस लाइट की, तो वहां से इस वायर को मैं निकाल लूंगा, और इस वायर का मुझे कनेक्शन करना है जो बैक वाली लाइट होती है, तो ये वाली है बैक वाली लाइट, तो इसका जो आप देखते हैं वायरिंग यहाँ पर, तो ये तो एक्चुअली ये ज्वाइंट डाला हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसकी रेड और ब्लैक वायर है, तो रेड वायर इसकी पॉजिटिव की है, तो रेड वायर के साथ मैं इसका कनेक्शन करूँगा, और गैस ये मैं यहाँ से इसका कनेक्शन नहीं करूँगा, अभी मैं इसका कपलर को ऐसे खोलता हूँ और रेड वायर में ऐसे इस वायर को डाल के और इस कपलर को मैं वापस से बंद कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इसकी लाइट को भी बंद कर देता हूँ। तो इस टाइप से हमारा जो बैक वाला जो कैमरा है उसका जो कनेक्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या मुझे इसकी जो बैक कैमरा वाली ये वाली वायर है इसको यहाँ से मैं निकालूंगा, और ये साइड से होते हुए ये आगे तक जाएगी, तो इस टाइप से मैं इसको जो है यहाँ से निकाल के ये आगे की ओर कर लेता हूँ। तो गाइस आप देखते हैं ये मेरे को जो इसकी प्लास्टिक वाली अटैचमेंट है ये भी थोड़ा खोलनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी इजी होता है, इसमें लॉक होते हैं तो लॉक को खोलना काफ़ी इजी है, और इसको लगाना भी काफ़ी इजी है, बस आपको इसको जो है आराम से लगाना है ताकि इसके लॉक वगैरह जो है वो टूटे ना। तो क्या यहाँ पर मैं मुझे इसकी जो चार्जर की वायर है उसको भी यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों वायर जो ऊपर से निकलेगी तो इसलिए मैं दोनों वायर को ऐसे ज्वाइंट करके ऊपर से निकालूंगा। तो क्या ये जो ऊपर वाला ऐसे मैट होता है ये आराम से ऐसे जो है इसमें जो है आप वायर को ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, तो इसको जो है आपको कुछ भी खोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, और ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है यहाँ पर इसको खोल के आप इजीली इसका जो है यहाँ से वायरिंग को क्रॉस कर सकते हो, और बाद में जो है इसके लॉक होते हैं उसको वापस ऐसे लगा दोगे तो ये अच्छे से ऐसे जो है फिट बैठ जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अभी इसके डैश कैम में दोनों वायर लगा दी हुई है, चार्जर की और जो पीछे वाले बैक कैम की, और अभी इसकी जो पीछे वाला जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट चल रही है, तो यहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप जो है उसका व्यू आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे को सेट लग रहा है, तो यहाँ पर हम जो है इसको फिक्स कर देंगे।
तो गाइस कुछ इस टाइप से डबल साइडेड टेप भी आपको मिलती है और दो स्क्रू भी आपको मिलती हैं। तो पहले डबल साइडेड टेप से आप इसको ऐसे फिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद इसके जो दो स्क्रू हैं उसको आप यहाँ से जो है टाइट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने बैक गियर यहाँ पर लगा दिया है। अभी मैं यहाँ पर कैमरे को थोड़ा सेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसका व्यू, तो कुछ इस टाइप का आपको जो है डे टाइम का व्यू मिलता है बैक कैमरे का, ये रिस्पॉन्स है इसका। और अभी मैं इसको आपका फ्रंट कैमरे का बताऊँगा। तो गाइस अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये फ्रंट कैमरे से हो रही है, आप देख सकते हैं इसको। और ये HD है, मतलब इसकी फुल क्वालिटी है। आप चाहे तो इस क्वालिटी को आप जो है लो या फिर हाई भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से आपको व्यू दिखता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर कुछ यहाँ पर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो ये अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। और ये है इसके बैक कैमरे की क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं बैक कैमरा काफ़ी अच्छी तरह से इसको जस्टिफाई कर रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। बाय चांस यहाँ पर कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। तो ये है इसकी बैक कैमरे की क्वालिटी। अब मैं आपको नाइट का भी व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस फ्रंट कैम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, रात के टाइम पे कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी नहीं इसको बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, ये काफ़ी अच्छी है क्वालिटी। और अभी बैक कैम की आप देख सकते हैं, अगर पीछे आपके कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो अच्छी तरह से ये जो है दिखाता है आपको। तो गाइस अगर बात करूँ इसके प्राइस की, तो गाइस इसका प्राइस जो है 2000 से लेके 2500 से बीच बीच इसका प्राइस जो है रहता है। और इसका प्राइस जो डाउन भी होता है, कभी कुछ स्पेशल अगर डील चल रही है तो इससे भी सस्ता आपको ये मिल सकता है। तो गाइस जो बैक कैमरा और डैश कैमरा वो गाड़ी में मस्ट है, मतलब आपको लगाना ही चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो गाइस अगर आपका कुछ बजट जो है ज़्यादा नहीं है, मतलब आप जो है पूरा सिस्टम है आप वो अगर नहीं लगाना चाहते, तो इस टाइप से आप जो है डैश कैमरा और बैक कैमरा ऐसे लगा सकते हैं। और अगर आप इसको खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप इसको बाहर से भी कहीं पर लगाना चाहते हैं तो 500 के आसपास ये आपको जो है अच्छे से लग जाएगा। तो गाइस इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, अगर आपको ये परचेज करना रहेगा तो आप वहाँ से इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।